मारपीट होता है ज़्यादा करके हिंदी वाले तमिल वाला, सीधा सवाल उठाता है कि हिंदी वाले हो कि तमिल वाला, और हिंदी वाला होता है तो मानी कि मारता है पीटता है, तमिल वाला तो छोड़ देता है। घर जाओ तमिल वाला, मैं तो सीधा फर्चा लेके पीछे लेके करता है। सीधा यहाँ पर रहने का मतलब क्या है कि बोलता है कि बहुत अच्छा आदमी बोलता है कि हिंदी वाला यहाँ से भगा दो 20 तारीख अंदर में, ताकि मानी कि यहाँ पे कोई भी हिंदी वाले काम नहीं करेगा। हम तमिल वाले हैं, तमिल वाले के लिए काम है, हिंदी वाले के लिए काम नहीं है, जाओ। नमस्कार, पोस्ट बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ सना रमान। देखिए, तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हो रही हिंसा के मामले की जो जांच है वो तेज़ हो गई है। इसको लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार से एक विशेष टीम जो है वो गठित कर करके तमिलनाडु भेजी है, जो कि इस पूरे मामले की जो सच्चाई है वो उस पर काम करेगी, उसकी जाँच पूरी तरह से तमिलनाडु में की जाएगी कि वाकई में बिहारी मजदूरों के साथ तमिलनाडु में क्या कुछ हो रहा है। इसके साथ साथ बता दें कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उन्होंने भी नीतीश कुमार से बातचीत की है और उन्होंने भी ये आश्वासन दे दिया है कि पूरी तरह से जो बिहारी मजदूर तमिलनाडु में काम करने के लिए आते हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होता है तमिलनाडु मजदूरों को, तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को जिस तरीके से पीटा जाता है, उसके बाद ये वीडियो सामने आता है और वीडियो सामने आने के बाद बिहार में इसको लेकर के पूरी तरह से बवाल मचा हुआ। इसी बीच सच्चाई जानने के लिए कई लोगों ने ये भी कोशिश की है कि जो बिहारी मजदूर तमिलनाडु में रहते हैं उनसे बातचीत की जाए। ऐसे में कई बिहारी मजदूर इस वक्त तमिलनाडु से बिहार आ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वाकई में तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ जो है मारपीट की जा रही है। हम आपको बयान सुनाते हैं, कुछ मजदूर तमिलनाडु से बिहार पहुंचे, उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। क्या माहौल खराब है? माहौल ये खराब है कि वहाँ पे तमिलनाडु में होने की बहुत ज्यादा ही मतलब हमारी है, इसलिए मारपीट होता है ज्यादा करके हिंदी वाले तमिल वाला, सीधा सवाल उठाता है कि हिंदी वाले को तमिल वाला, और हिंदी वाला होता है तो मानी कि मारता है पीटता है, तमिल वाला छोड़ देता है। सीधा यहाँ पर रहने का मतलब क्या है कि बोलता है कि बहुत अच्छा आदमी बोलता है कि हिंदी वाला यहाँ से भगा दो 20 तारीख अंदर में, 20 तारीख अंदर में यहाँ से हिंदी वाले को भगा दिया जाएगा, भगा दो, ताकि मानी कि यहाँ पे कोई भी हिंदी वाले काम नहीं करेगा। हम तमिल वाले हैं, तमिल वाले के लिए काम है, हिंदी वाले के लिए काम नहीं है, जाओ। इसी डर से भागा है? इसी डर से भागे, जो यानी कि जिंदगी जान बचा हुआ है, दूसरा जगह भी काम कर लें। क्या नाम है? माहौल तमिलनाडु में नहीं, सीधे कहाँ घर है? जिला कौन सा है? सीतामढ़ी। चले आए वहाँ? काम नहीं दे रहा है, सबके मार पीट के बोल रहा है, बच्चा तीन तीन है, क्या करूँगा वहाँ पर? कौन मार्केट पीटता है वहाँ? तमिल वाला मार पीट रहा है। क्या बोलता है? बोलता है घर जाओ तमिल वाला, मैं तो सीधा फर्चा लेके पीछे लेके करता है। डर से भागा है? हाँ, डर से भाग गए। तीन तीन बचाए नहीं रखते है, तीन तीन बचाए कैसे रहेंगे वहाँ पर, कैसे करेंगे, इसलिए चला है। क्या नाम है? प्रमिला देवी। कहाँ घर है? भलुआ। जिला कौन सा है? सीतामढ़ी। तो आपने साफ तौर पर सुना कि मजदूरों का ये कहना है कि वाकई में तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को पीटा जा रहा है और उन्हें ये कहा जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से तमिलनाडु से बिहारी मजदूरों को भगाया जाए। ऐसे में सच्चाई क्या है, इसकी पूरी जांच जो है बिहार से जो स्पेशल टीम गठित करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भेजी है वो करेगी। देखने वाली बात ये होती है कि वाकई में जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बिहारी मजदूरों को पीटा जा रहा है और वाकई में जो मजदूर आकर के तमिलनाडु से ये कह रहे हैं कि सच बिहारी मजदूरों के साथ वहां पर बदतमीजी की जा रही है, उन्हें मारपीट किया जा रहा, जो हिंसा की खबर लगातार सामने आ रही है, इसमें सच्चाई क्या है। तमाम बड़ी खबरें, तमाम बड़ा अपडेट्स हम आपको फर्स्ट बिहार झारखंड पर देते रहेंगे, बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।